आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं वो 40 क्वेश्चन एंड टॉपिक जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, इन 40 टॉपिक में से हर दिन कोई भी एक टॉपिक के बारे में एटलीस्ट एक घंटा जरूर पढ़ना है। ना सिर्फ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बल्कि पिछले 4 साल के 40 से अधिक क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करने के बाद एक कंक्लूजन भी है। तो ब्लाइंडली मैं अपनी मर्जी से टॉपिक सजेस्ट नहीं कर रहा। मैं हूं सतीश पटेल और आप देख रहे हैं पटेल नर्सिंग एकेडमी। इनमें से सबसे पहला टॉपिक है ईसीजी। हर एग्जाम में ईसीजी के रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटीज ऑब्जर्व ऑन द ईसीजी। ईसीजी दिया हुआ है और इसमें क्या चीज है, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एट्रियल फ्लटर, और इसमें है हम V2, V3, V4 में देख रहे हैं ST एलिवेशन, जो कि MI होने के बाद के कुछ घंटों में दिखता है ST एलिवेशन, और इसका करेक्ट आंसर है MI में इस तरीके की ECG दिखती है। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया एंड फिब्रिलेशन बहुत ज़्यादा वेव्स होगी, पी वेव अब्सेंट दिखती है इसमें, एट्रियल फ्लटर में जो कि शॉर्ट टूथ RE जैसा होता है, तो हमारा आंसर MI है इसमें। अगला क्वेश्चन है, इन ECG V1 इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन विच इंटरकोस्टल स्पेस। करेक्ट आंसर है 4th इंटरकोस्टल स्पेस। जैसे कि जो V1 और V2 है, 4th इंटरकोस्टल स्पेस, ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस है, यहां पे लगे होते हैं। V1 राइट साइड में होता है, V2 लेफ्ट साइड में होता है। आज के इस वीडियो में मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा मेन इंटेंशन है वो 40 टॉपिक के बारे में बताना। दूसरा टॉपिक है CPR, मैनुअल टू ओपन एयरवे इज रिकमेंडेड इन ट्रोमा पेशेंट। ट्रोमा पेशेंट में सस्पेक्ट किया जाता है कि उसको सर्वाइकल इंजुरी हो सकती है, तो इसके लिए कौन सा मैनुअल करेंगे, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जो थ्रस्ट। करेक्ट आंसर है जो थ्रस्ट। जैसा यह है, चिन लिफ्ट किया है, थोड़ी को ऊपर उठाया, हेड टिल्ट, गर्दन को पीछे मोड़ा, इन दोनों की वजह से क्या होता है, गर्दन की जो सर्वाइकल वर्टिब्राज है उसमें मूवमेंट होगा। यदि ट्रोमा पेशेंट है तो ये चीज ट्रोमा, जो भी सर्वाइकल इंजरी हो उसको बढ़ावा देगा, तो इस केस में जो थ्रस्ट मैन्यूवर करते हैं, सिर्फ जबड़े को हिलाया जाता है। CPR का अगला क्वेश्चन, इन ए टू रेस्क्यूअर CPR, रेस्क्यूअर चेंज देयर पोजीशन आफ्टर 5 साइकिल। करेक्ट आंसर है 5 साइकिल, 30 कंप्रेशन के 5 साइकिल के बाद दोनों रेस्क्यूअर अपनी पोजीशन बदल देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन, यदि नॉर्सेट की बात करूं तो हर एग्जाम में 10 से 30 क्वेश्चन, यहां तक कि इससे ज्यादा भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और स्टेट वाइज एग्जाम की बात करूं तो आजकल 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द मशीन गिवन बिलो, ये मशीन है वो कौन सी है, पल्स ऑक्सीमीटर, मल्टी पैरामीटर, ABG मशीन, CTG मशीन, एंड करेक्ट आंसर है CTG, कार्डियो टोकोग्राम। इसका मतलब है कि फीटल हार्ट रेट के साथ यूट्राइन एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है। द कंडीशन कॉज्ड बाय, ये कंडीशन किस केस में होता है, और ये है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको हम एक्सोफ्थैल्मस कहते हैं, और इसको प्रोप्टोसिस भी कहा जाता है। ये कब पूछा गया है, एम्स का 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें पूछा गया है। पोजिशनिंग, पेशेंट की पोजिशनिंग के बारे में क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग कोई प्रोसीजर, या फिर आफ्टर ऑपरेशन, या फिर किसी डिजीज कंडीशन में कौन सा पोजीशन पेशेंट रखा जाता है। ड्यूरिंग सीजरियन सेक्शन पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन विच पोजीशन, सुपाइन पोजीशन विथ वेज अंडर द राइट हिप। ये करेक्ट आंसर है। वेज का मतलब क्या होता है, ये तकिया या फिर इस तरीके का वेज कि एक थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और ये कम उठा हुआ है, इसको वेज कहा गया है। इसका कारण है इन्फीरियर वेना कावा जो होती है वो राइट साइड में होती है। यदि यूट्रस का कंप्लीट वेट यहां इसके ऊपर होगा तो इन्फीरियर वेना कावा
प्रेस होने की वजह से वीनस रिटर्न कम होगा और सुपाइन हाइपोटेंशन होगा, इसीलिए स्लाइटली लेफ्ट साइड में लेटाया जाता है और राइट साइड में वेज या तकिया रखा जाता है। पोजिशनिंग, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट यूजफुल पोजिशन आफ्टर ईच न्यूरो सर्जरी। अब यहां पे आपको कुछ शब्द का ध्यान रखना है, वर्ड्स का, आफ्टर या ड्यूरिंग। ड्यूरिंग सर्जरी पूछा तो कुछ अलग पोजीशन होगी, आफ्टर सर्जरी पूछा है तो वहां पे अलग पोजीशन हो सकती है। तो इसका सुपाइन ट्रेनलेनबर्ग, हेड एलिवेटेड 30 डिग्री, हेड एलिवेटेड 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है 30 डिग्री, बिकॉज 30 डिग्री एलिवेशन से सेरेब्रल एडिमा को प्रिवेंट कर सकते हैं और इन दो केस में सेरेब्रल एडिमा बढ़ जाता है। आपको इस तरीके का कोई भी एरर नहीं करना है, जैसे कि बहुत सारे लोग गूगल में सर्च करते हैं सीधा पोजीशन आफ्टर न्यूरो सर्जरी और पहला ही शब्द सुपाइन पोजीशन करेक्ट आंसर समझ लेते हैं। बट आगे भी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज पोजीशन इन न्यूरो सर्जरी, सर्जरी करते टाइम बता रहा है। और दूसरा, जो वेबसाइट है वो भी बहुत सारी बार, यहाँ पे ठीक है, पर बहुत सारी बार की एक जनरल जो मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है उनके लिए जो वेबसाइट बनी है वो भी इंफॉर्मेशन आप करेक्ट मान सकते हैं। तो आपको स्टडी करते टाइम, रेफरेंस करते टाइम एग्जैक्ट तरीका हो पता होना चाहिए। हाँ, और आज के ये 40 टॉपिक जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इनका इंडिविजुअल वीडियो भी आपको जल्द ही मिलने वाला है। आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस का लिंक अवेलेबल होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा पांचवा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चाइल्ड सीट विद द सपोर्ट एट द एज ऑफ 4 to 6 month। करेक्ट आंसर है 4 to 6 month, और ये पूछा गया है इग्नू के पोस्ट बेसिक एंट्रेंस में 2022, 2022 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें। द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ द नॉर्मल चाइल्ड एट द एज ऑफ 12 month, 12 month पे कितनी हाइट होगी। अब इसका करेक्ट आंसर है 75 सेंटीमीटर, एट बर्थ 50 सेंटीमीटर होता है, 12 months पे 50% इंक्रीज हो जाता है, तो 50 तो बर्थ पे था, 25 सेंटीमीटर इंक्रीज होके टोटल 75 हो जाएगा एट द एज ऑफ 12 month। डाइट मॉडिफिकेशन इन द डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है एक से दो क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन अ चाइल्ड बी एडवाइज कीटोजेनिक डाइट थेरापी। और इसका आंसर है सीजर डिसऑर्डर में कीटोजेनिक डाइट थेरापी देते हैं। कीटोजेनिक डाइट होता क्या है, कीटोजेनिक डाइट में लो कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट प्रोटीन एंड हाई फैट डाइट देते हैं। अब इसका थ्योरी क्या है, इसका पर्पस, जैसे कि हाई फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट, हमारा प्राइम सोर्स, सबसे पहला सोर्स होता है एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, तो उस केस में कार्बोहाइड्रेट कम दे रहे हैं तो सेकंड फैट का डाइजेशन मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद फैट से फैटी एसिड एंड कीटोन बॉडीज बनती है, कीटोन बॉडीज अधिक हो जाती है जिसको कीटोसिस कहते हैं। अब कई रिसर्च में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि अनकंट्रोल्ड सीजर में कीटोसिस होने की वजह से 50% घट जाता है कन्वर्जन का रेट। तो ये ध्यान रखना है कि अनकंट्रोल्ड सीजर में दिया जाता है। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है डोज कैलकुलेटर, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि सेपरेट वीडियो जल्द आने वाला है। ये है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्वेश्चन को। ड्रॉप फैक्टर, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आ वीडियो बना हुआ है। एक ईडीडी का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, एलएमपी दिया होता है और ईडीडी कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है पर काफी कैंडिडेट छोटी सीली मिस्टेक से एरर कर देते हैं। बीएमडब्ल्यू क्वेश्चन है, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एम्प्टी ब्लड बैग इज डिस्कार्डेड इन विच कलर डस्टबिन, और ये होता है येलो। एवरेज जो भी प्लास्टिक बैग होते हैं वो तो रेड में डिस्कार्ड किए जाते हैं, पर मोस्टली ब्लड वाला जो बैग है
वो पीवीसी फ्री होता है। पीवीसी एक प्लास्टिक है जो कि पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट करता है, तो ये पीवीसी फ्री है इसीलिए येलो में डाला जाता है। सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले हमारे तीन वीडियो को जाके जरूर देखें, वेंटिलेटर रिलेटेड, आईसीयू रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड आईसीयू इक्विपमेंट्स का, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अगला टॉपिक है लेबर स्टेजेस एंड मैकेनिज्म। इसको आप 1 से 2 दिन लेके टॉपिक पढ़ें, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। यहाँ का क्वेश्चन है, कॉर्ड क्लैंपिंग इज डिलेड बाय 1 to 2 मिनट इन नियोनेट बिकॉज इट प्रिवेंट एनीमिया इन वुमेन, सेपरेट प्लेसेंटा इजीली, प्रिवेंट जॉइंटिस इन नियोनेट, नियोनेट गेट कॉर्ड ब्लड। और इसका करेक्ट आंसर है नियोनेट गेट्स कॉर्ड ब्लड। बहुत सारे लोग इसको जॉइंटिस प्रिवेंशन के लिए किया जाता है, नो इट इज नॉट। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग 3 मिनट तक डिले किया है तो वहां पे कुछ चांस जॉइंटिस होने का बढ़ जाता है, और उसका कारण है, देखिएगा डीसी दत्ता का रेफरेंस में, कि कुछ वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है जिससे पॉलीसाइथेमिया होगा, और उसका कंपेंसेशन के लिए वापस आरबीसी को टूटना होगा, तो ओवरऑल क्या होगा, हाइपर बिलिरुबिनेमिया होगा। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग क्या करता है, हाइपर बिलिरुबिनेमिया जॉइंटिस बढ़ा देता है। लेबर पे एक और क्वेश्चन है, देखिएगा, पेशेंट इज एडमिटेड इन डिलीवरी यूनिट इन एक्टिव लेबर, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन द नर्स नोट ए पैपुलर लीजन ऑन पेरिनियम, विच इनिशियल एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, रिपोर्ट द फाइंडिंग टू द डॉक्टर, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सी सेक्शन। सी सेक्शन सीजरियन सेक्शन के लिए एज ए नर्स हमारा वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा कि हम डिसीजन लें। कंटिन्यू द प्राइमरी केयर, और इसका है कि इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, रिपोर्ट द फाइंडिंग टू द डॉक्टर। पीपीएच मैनेजमेंट हर एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। एर्गोमेट्रिन इज यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन के साथ दिया जाता है। ये कब पूछा गया है, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी दिल्ली के एग्जाम में पूछा गया है। पेल्विस एंड फीटल स्कल के बारे में क्वेश्चन पूछा था, द टाइप ऑफ पेल्विस मोस्ट सुटेड फॉर द डिलीवरी इज ए गायनोकॉर्ड पेल्विस। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आते हैं, और ये एम्स भुवनेश्वर में पूछा गया है 2019 में। एंटीनेटल डाइट, व्हेन काउंसलिंग ए प्री एक्लेम्प्टिक क्लाइंट विथ हर डाइट, व्हाट शुड ए नर्स एनकरेज द वुमेन टू डू। प्री एक्लेम्प्टिक है जहां पे हाइपरटेंशन होता है, एडिमा होता है, तो इसमें किस तरीके का डाइट देंगे, अवॉइड सिंपल शुगर, ईट वेल बैलेंस्ड डाइट, रेस्ट्रिक्ट सोडियम इंटेक, इंक्रीज फ्लूड इंटेक। और इसका करेक्ट आंसर है ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हाइपरटेंशन को देख के और सोडियम इंटेक रेस्ट्रिक्ट करने का बात नहीं करना है, ठीक है। इसका रेफरेंस, इसीलिए मैंने रेफरेंस भी डाला है, डीसी दत्ता की बुक में आप देख लीजिएगा, बैलेंस डाइट दिया जाता है। इसमें लो साल्ट डाइट ट्राई किया था पर कोई भी बेनिफिट खास नहीं हुआ, रेफरेंस है डीसी दत्ता का। एनसी डाइट पे और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, और फोलिक एसिड की कमी की वजह से बहुत सारी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होती है। अगला क्वेश्चन है, टॉपिक है एबीजी एनालिसिस, हर बार पूछा जाता है, अलग अलग एसिडोसिस, अल्केलोसिस या फिर वैल्यूज के बारे में, जैसे कि एन ओल्ड पेशेंट आर्टेरियल ब्लड सैंपल वैल्यूज आर PaCO2 26 mmHg, बाइकार्बोनेट 15 mmol पर लीटर, pH 7.25। एज ए नर्सिंग ऑफिसर यू नो दैट द नॉर्मल वैल्यू ऑफ बाइकार्बोनेट इज, एंड करेक्ट आंसर इज 22 to 26 mmol पर लीटर। यहाँ पे एबीजी एनालिसिस का डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, इसीलिए यहाँ पे बहुत आसान सवाल मैंने डाल दिया। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं कभी कभार देख रहा हूँ पेपर में पांच पांच क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एट वॉट एज चाइल्ड स्टार्ट रिसीविंग HIB हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन जो है वो पेंटावेलेंट का कंपोनेंट है,
डीपीटी, डेफ्थीरिया, पर्टुसिस, टेटेनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, पेंटावेलेंट में ये चीजें होती है। तो इसका पहला शॉट पेंटा का लगता है 6 वीक पे। करेक्ट आंसर है 6 वीक। पूछ जाती है जैसे कि रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी कौन से रूट पे दिया जाता है, और इसका आंसर है इंट्रामस्कुलर। अगला क्वेश्चन वैक्सीन पे, जैसे कि वैक्सीन टू कंट्रोल डायरिया, डायरिया को कंट्रोल करने के लिए रोटा वायरस की वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन में हीट एंड फ्रीज सेंसिटिविटी वाला क्वेश्चन भी आता है। स्टोरेज किस टेम्परेचर पे किया जाता है, इससे क्वेश्चन आता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। विच फ्लूइड इज यूज टू फ्लश आईवी लाइन आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और इसमें एनएस नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्वेश्चन पूछता है कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाता है, यदि इमीडिएट रिएक्शन हुआ तो किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है पर एग्जाम किसी एक्सपर्ट के लिए नहीं हो रहा है, न्यू कमर जो अभी भी रिसेंटली पास आउट हुआ है उनके लिए हो रहा है। तो बेसिक एजुकेशन जरूरी है, जहां पे स्मॉल एरर की वजह से क्लाइंट की डेथ हो सकती। बैड सोर क्वेश्चन है, व्हाइल असेसिंग मिस्टर गुप्ता विद ब्रैडन स्केल द स्कोर अटेंस वाज 8 व्हिच इंडिकेट दैट रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रेशर स्कोर ऑफ मिस्टर गुप्ता इज माइल्ड, मॉडरेट, हाई, सीवियर। 8 स्कोर आने पे सीवियर चांस है कि उसको बैड सोर होगा, और ये है बैड सोर का स्कोरिंग, जो कि चांस नहीं है वो होगा 23rd से 19 तक। तो इसमें तो है हमारा 8 सीवियर चांस है। ड्रग ऑफ चॉइस पे क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ इंपोर्टेंट डिजीजेस, यहाँ पे फाइलेरिसिस के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है, और इसका आंसर सीधा बता रहा हूं मैं, डाइइथाइलिन कार्बामाजीन सिट्रेट। एब्रीविएशन एंड मेजरमेंट, जैसे कि HS, BD, QID, स्ट्रीट, इस तरीके का एब्रीविएशन, क्योंकि न्यू कमर को एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, पता होना चाहिए। विटामिंस, विटामिन का क्वेश्चन थोड़े से एक स्टेप आगे फॉरवर्ड हो गए, कि पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते थे कि पहले ग्रह किसकी कमी से होता है, विच डेफिशिएंसी से हो रहा है। नहीं, अब वो तो ठीक हो सकता है, पर कि पहले ग्रह में होता क्या है, या रिकेट्स, यहाँ पे आज के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स, और इसका करेक्ट आंसर है क्रेनियोटेप्स। क्रेनियोटेप्स का मतलब होता है स्कल बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो हमें एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ के पढ़ना पड़ेगा कि बिटोट स्पॉट्स हो गया, तो उसमें इमेज देखो कि क्या हो रहा है, उसका सर्जिकल मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। यस, अगला क्वेश्चन है, जेरोफ्थेल्मिया कैन बी कंट्रोल बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। जेरोफ्थेल्मिया जो है विटामिन ए की कमी से होता है। थेरापेटिक ड्रग लेवल, यहां पे मैं 4 ड्रग के बारे में बताऊंगा, डिगोक्सिन, लिथियम, मैग्नीशियम सल्फेट एंड फेनिटोइन। इन दवाइयों का थेरापेटिक ड्रग लेवल और इससे रिलेटेड पोटेशियम बढ़ जाता है, घट जाता है, ये चीजें भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है, हर बार पूछ रहा है। एंटीडोट्स पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जैसे कि व्हेन आईवी हेपरिन थेरापी इज एडवाइस फॉर अ पेशेंट, नर्स मस्ट एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ विच ड्रग इन द नर्सिंग यूनिट व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग देयर दिस थेरापी। आईवी हेपरिन चल रहा है, आपके पास क्या होना चाहिए नर्सिंग यूनिट में, और इसका आंसर है प्रोटामिन सल्फेट, क्योंकि ओवरडोज हो गया चांस है, तो वहां पे प्रोटामिन सल्फेट इसका एंटीडोट होगा। अगला है कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज में इंक्यूबेशन पीरियड पूछता है, इंपॉर्टेंट उसका साइन एंड सिम्टम, जैसे कि कॉपलिक स्पॉट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, और यहाँ पे मिजल्स है। कॉपलिक स्पॉट्स का आप इमेज भी देख सकते हैं कि अगली बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछ ले। ब्रीथ साउंड एंड रेस्पिरेटरी पैटर्न, व्हाट इज बायोट्स रेस्पिरेशन, और ये है नॉर्मल ब्रीथिंग फॉलोड बाय पीरियड ऑफ एपनिया, जैसे कि ये यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथिंग था, इसके बाद एक लंबा एपनिया हो गया। ब्रीथिंग एक्सरसाइज लाइक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पर्स लिप एक्सरसाइज, इस तरीके का।
अगला टॉपिक है एमआई एंड कार्डियक एंजाइम्स, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एन इंक्रीज इन द सीकेएमबी कैन बी कॉज्ड बाय, सीकेएमबी किस में बढ़ जाता है, और इसका आंसर है मायोकार्डियल नेक्रोसिस में सीकेएमबी बढ़ जाता है। यदि सेरेब्रल डैमेज है तो सीकेबीबी में वेरिएशन आता है, स्केलेटल मसल इंजरी है तो सीकेएमएम में वेरिएशन आता है। तो ये आरएके के एमएससी एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। डिल्यूजन्स के टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग डिल्यूजन आर कॉमन इन डिप्रेशन, डिप्रेशन में क्या नहीं होता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को ध्यान रखना है, भूल नहीं जाए। एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर जो है वो, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर जो है डिप्रेशन में नहीं होता है, क्योंकि ग्रैंड्योर में अपने आप को तोप समझता है, और ये होता है मेनिया में। इमरजेंसी ड्रग के बारे में क्वेश्चन आता है, मैकेनिज्म बाय विच एड्रेनालिन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिज्म जिसमें हार्ट रेट बढ़ती है, यस, पॉजिटिव आइनोट्रोपिज्म इसमें कार्डियक स्ट्रेंथ जो फोर्स ऑफ एक्शन है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, यस, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यस, ऑल अबव, इसका आंसर होगा ऑल अबव। अगला है इम्यूनोग्लोबुलिन, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, नॉर्सेट में तो थोड़ा कम कर दिया पर बाकी जो स्टेट वाइज या अदर एग्जाम्स है उसमें बहुत बार पूछता है, हर बार पूछता है। इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न अगेंस्ट एंट्रिक फीवर, और न्यूबॉर्न में IgA जो कि ब्रेस्ट मिल्क से वो रिसीव करता है वो प्रोटेक्ट करता है। अगला टॉपिक है रीनल फेलियर एंड डायलिसिस, टिटेनी एंड टिटेनिक सीजर इन द क्रोनिक रीनल फेलियर इज कॉज बाय एसिडोसिस, कैल्शियम डिप्लेशन, पोटेशियम रिटेंशन, सोडियम क्लोराइड डिप्लेशन, करेक्ट आंसर है कैल्शियम डिप्लेशन, कैल्शियम की कमी की वजह से टिटेनी एंड टिटेनिक सीजर आते हैं। डायबिटीज इंसुलिन के प्रिपरेशन के बारे में क्वेश्चन आता है, द साइट फॉर, आज का जो सोल्यूशन है कि द साइट फॉर इंसुलिन इंजेक्शन इज रोटेटेड इन डायबिटीज पेशेंट, वॉट इज मिनिमम डिस्टेंस टू बी एंस्यूड बिटवीन टू साइट, हर बार के दो साइट में एक इंच जो कि 2.5 सेंटीमीटर होता है इसका डिस्टेंस मेंटेन करना है, और उस जगह पे रिपीट 1 से 2 वीक के बाद किया जा सकता है। विच टाइप ऑफ इंसुलिन नेवर मिक्स विथ अनादर, और लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन होता है वो किसी के साथ मिक्स नहीं किया जाता है, लॉन्ग एक्टिंग जैसे कि लैंटस है और वो HS डोज में अकेला दिया जाता है, HS रात को देते हैं 10 बजे। बंस का क्वेश्चन बनता है कि कौन सी कैटेगरी, डिग्री ऑफ बन कौन सा है, फ्लूइड मैनेजमेंट पे क्वेश्चन बनता है कि आज का क्वेश्चन है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस इज कैटेगराइज अंडर, एपिडर्मिस है तो हम फर्स्ट डिग्री रखते हैं। हार्मोन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉजेज ओवुलेशन, FSH, LH दोनों, HPL, और करेक्ट आंसर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH जो है वो फॉलिकल को डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, एंड बाकी ये प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटा के बाद होता है। हार्मोन जैसे कि हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन दोनों ही सीक्रेट होते हैं, बाकी जो लिए गए सारे हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं। साइकोलॉजी में डेवलपमेंटल थ्योरी पे क्वेश्चन हर बार आ रहा है आजकल, साइकोसोशियल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट इसमें कौन सा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन, इसमें इरिक्शन की थ्योरी पूछता है एंड सिगमंड फ्रायड की थ्योरी भी पूछता है। अकॉर्डिंग टू द फ्रायड विच कंपोनेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द रियालिटी प्रिंसिपल, रियालिटी प्रिंसिपल पे कौन सा काम करता है, तो ईगो जो पर्सनैलिटी है वो रियालिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। कॉन्ट्रासेप्टिव में क्वेश्चन है द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेज ऑफ माला डी कंटेन, इसमें क्या होता है 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की पील होती है और 7 आयरन की होती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उसका सॉल्ट क्या है, उसका सॉल्ट होगा लेवोनोर्जेस्टेरोल एंड इथाइलिन एथिनाइल एस्ट्राडियोल। कॉन्ट्रासेप्टिव पे एक और क्वेश्चन है द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पील इज बेस्ड ऑन, कैसे काम करता है, तो
दो तरीके से काम करता है। पहला तो वो इनहिबिट करता है, ओवुलेशन को इनहिबिट करता है, और दूसरा फॉलिकल डेवलपमेंट को भी स्लो कर देता है। तो यहाँ पे दो तरीके का काम है, फॉलिकल डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है, ओवुलेशन को इनहिबिट करता है। स्पर्म की मोटिलिटी में कोई डिक्रीज इंक्रीज नहीं करता है, ना ही स्पर्म की एंट्री को करता है। तो हमारा आंसर है करेक्ट ए। ट्यूबरकुलोसिस क्वेश्चन एंड एटीटी, जो एंटी ट्यूबरकुलिन ट्रीटमेंट डॉट्स थेरापी है, इस पे क्वेश्चन आता है। ए 30-year-old प्रेग्नेंट वुमन इज डायग्नोज विद पर्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी एटीटी शुड नॉट बी गिवन, नॉट बी गिवन। और इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्रेगनेंसी में स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का क्वेश्चन। द एजेंट यूज टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट, सोडियम हाइपोक्लोराइड। एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट आर स्टेरिलाइज्ड बाय 2% ग्लूटरिलहाइड। रिफ्लेक्स पे क्वेश्चन आता है, विथ ए सडन एक्सटेंशन ऑफ द नेक, आर्म अबडक्ट एंड मूव अपवर्ड एंड आर्म फॉर्म्स ए सी शेन, सी बना देता है। तो वो क्या होता है, मोरो रिफ्लेक्स में होता है। एथिकल प्रिंसिपल पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिकल प्रिंसिपल। नॉन बेनिफिशेंस जो है वो एथिकल प्रिंसिपल नहीं है, ये होता है, ये लगा के आंसर को डिस्टर्ब कर दिया। डिजीज स्पेसिफिक, यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, कुछ डिजीज आपको पढ़नी ही है, तो ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, रीनल फेलियर एंड पेनक्रियाटाइटिस, इनके मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एंड वॉट एवर पॉसिबल ड्रग थेरापी, साइन एंड सिम्टम, इस पर क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो ये स्पेसिफिक डिजीज जरूर पढ़े, 6 डिजीज। करंट अफेयर में क्वेश्चन आजकल एम्स में भी आ रहा है, नॉर्सेट, जो कि स्टेट वाइज भी आता है। तो क्या चीजें आपको पढ़नी है इसमें, हेल्थ मिनिस्टर का नाम तो पता ही होना चाहिए, आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां का, या फिर यूनियन का है तो सेंट्रल का। डायरेक्टर, जैसे कि दिल्ली एम्स का डायरेक्टर पूछ लिया, किसी और एम्स का पूछ लिया। स्पोर्ट इवेंट में कोई ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक्स के बाद कोई वर्ल्ड कप हुआ है, हमारे इंडिया ने कोई अलग से मेडल जीता है, तो वो चीजें। गवर्नमेंट की कोई रिसेंटली हेल्थ रिलेटेड स्कीम स्टार्ट हो गई है, नेचुरल कैलामिटी जैसे कि तूफान, चक्रवात या फिर इस तरीके का कुछ हुआ है। फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर में ध्यान रखना कि कोई आईफा लक्स का आईफा अवार्ड ये वाले अवार्ड नहीं होते, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड होता है, उसको आप नेशनल फिल्म फॉर्म अवार्ड का गूगल पे सर्च करके आप स्टडी कीजिएगा। और आज का सेशन यहीं पे हमारा खत्म होता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।